गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे माँ गायत्री की एक वर्ष की उद्यापन साधना, गायत्री की परम कल्याणकारी सुगम उपासना विधि क्या है। गायत्री एक अत्यंत ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके द्वारा अपने मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाकर अंतःकरण को निर्मल बनाया जाता है और ये हर किसी के लिए बहुत ही सहज है। इसके अतिरिक्त यदि गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरा जाए तो अनेक प्रकार की चमत्कारी रिद्धि सिद्धियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। भौतिक दृष्टि से सकाम कामनाओं के लिए सांसारिक कठिनाइयों का समाधान करने तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण सहायता ली जा सकती है। इन साधनाओं में से बहुत का उल्लेख हम पहले के कई वीडियो में कर चुके हैं। विशेष आत्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है। कई व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है कि वे थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते। उनका जीवन क्रम बड़ा अस्त व्यस्त होता है और वे सदा कार्य में व्यस्त रहते हैं। व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां उन्हें चैन नहीं लेने देती। जीविका कमाने में, सामाजिक व्यवहारों को निभाने में, पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरा करने में, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में, कठिनाइयों के निवारण की चिंता में उनके समय और शक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि जब फुर्सत मिलने की घड़ी आती है तब वे अपने को थका मांदा, शक्तिहीन, शिथिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं। उस समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने दिया जाए और उन्हें छेड़े नहीं, ताकि वे सुस्ता कर अपनी थकान उतार सकें। कई व्यक्तियों का शरीर एवं मस्तिष्क अल्प शक्ति वाला होता है। मामूली दैनिक कार्यों के श्रम में ही वे अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं, फिर उनके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए और विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ मन साधना में लग सके। इसी स्थिति में की गई साधनाएं सफल होती हैं, परंतु कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं। अस्थिर, अव्यवस्थित चित्त किसी प्रकार साधना में जुटाया जाए तो उससे वैसा परिणाम नहीं निकल पाता जैसा कि निकलना चाहिए। अधूरे मन से की गई उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी वैसा ही अधूरा मिलता है। ऐसी स्त्री पुरुषों के लिए एक अति सरल एवं बहुत महत्वपूर्ण साधना गायत्री उद्यापन है। इसे बहुधंधी, कामकाजी और कार्यव्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद जोड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी आराधना करने से कुछ समय में एक बड़े परिणाम में साधना शक्ति जमा हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि उद्यापन की विधि क्या है। हर मास अमावस्या और पूर्णमासी दो रोज उद्यापन की साधना करनी पड़ती है। किसी मास की पूर्णिमा से इसे आरंभ किया जा सकता है। ठीक एक वर्ष बाद इसी पूर्णमासी को उसकी समाप्ति करनी चाहिए, यानी जिस पूर्णिमासी से आपने उद्यापन की साधना आरंभ की है एक वर्ष के बाद उसी पूर्णिमासी को आपको उसको खत्म करना है। प्रति अमावस्या और पूर्णिमासी को निम्न कार्यक्रम होना चाहिए और इन नियमों का पालन आपको करना है। पहला है, गायत्री उद्यापन के लिए कोई सुयोग्य सदाचारी गायत्री विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वरण करके उसे ब्रह्म नियुक्त करना चाहिए। ब्रह्मा को उद्यापन आरंभ करते समय अन्न, वस्त्र, पात्र और यथासंभव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिए उनको वरण करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को साधक की तरह ब्रह्म भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमान की सहायता के लिए उसी प्रकार की साधना करें। यजमान और ब्रह्मा को एक समान नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उभय पक्षीय साधनाएं मिलकर एक सर्वांगपूर्ण साधना प्रस्तुत हो। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। उस दिन उपवास रखें। अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार एक अन्न का आहार, फलाहार, दुग्धाहार या इनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है। तपश्चर्या एवं प्रायश्चित प्रकरण में इस संबंध में विस्तृत बातें गुरुदेव बता चुके हैं। तपश्चर्या प्रकरण में जो नियम व्रत पालन किए जा सकें उनका
यथासंभव पालन करना चाहिए। उस दिन पुरुषों को हजामत बनाना और स्त्रियों को सुसज्जित चोटी गुतना वर्जित है। सातवा नियम है, उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छता पूर्वक साधना के लिए बैठना चाहिए। गायत्री संध्या करने के उपरांत गायत्री की प्रतिमा का पूजन, धूप दीप चावल पुष्प चंदन रोली जल मिष्ठान से उनकी पूजा करें। उसके बाद यजमान इस उद्यापन के ब्रह्मा का ध्यान करके मन ही मन उसे प्रणाम करें और ब्रह्मा यजमान का ध्यान करते हुए उसे आशीर्वाद दें। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। 1000 मंत्र जप करने के लिए 10 मालाएं फेरनी चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में अग्नि रखकर उसमें घी मिली हुई धूप डालता रहे जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उमड़ती रहे, साथ ही घी का दीपक चलता रहे। आठवां नियम है, जब जप पूरा होने पर कपूर या घृत की बत्ती जलाकर आरती करें। आरती के उपरांत भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह समीपवर्ती लोगों में बांटते। नौवां है, पात्र के जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य के रूप में चढ़ा देना चाहिए। दसवां नियम है, ये सब कृत्य लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 15 दिन बाद इतना समय निकाल लेना कुछ कठिन बात नहीं है। जो अधिक कार्य व्यस्त व्यक्ति हैं वे 2 घंटे तड़के जल्दी उठकर सुबह सूर्योदय तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। संध्या को यदि समय मिल सके तो थोड़ा बहुत उस समय भी साधारण रीति से उनको ये नियम कर लेना चाहिए। संध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं है। प्रातः और साय का एक समय पूर्व निश्चित होना चाहिए जिस पर यजमान और ब्रह्मा साथ साथ साधना कर सकें। यदि किसी बार बीमारी सूतक आकस्मिक कार्य आदि के कारण साधना ना हो सके तो दूसरी बार दूना करके क्षतिपूर्ति कर लेनी चाहिए। या यजमान का कार्य ब्रह्म या ब्रह्म का कार्य यजमान पूरा कर दे, जिसको कार्य आ जाए वो दूसरे का कार्य कर दे। उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णिमासी को गायत्री पूजन हवन तथा जप और कन्या भोजन करा देना चाहिए। लोगों को गायत्री संबंधी छोटी या बड़ी पुस्तक दक्षिणा में देनी चाहिए। द्रव्य दान की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य फल 100 गुना अधिक है। इस युग में तो दान के पात्र बहुत कम मिलते हैं, अधिकांश प्राप्त दान का दुरुपयोग करते हैं, अतः ज्ञान दान ही सर्वोपरि माना जाता है। ये गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य धन संताप तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है, आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुता तथा द्वेष को मिटाता है, सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एक उत्तम तप है जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती हैं। यदि कोई सफलता मिले, अभीष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर मिले, अभीष्ट कामना आपकी पूरी हो जाए तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, देवोन भाव या तानीन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्सत। इसका अर्थ है, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आपस में आदान प्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो ये है 1 वर्ष की उद्यापन साधना माँ गायत्री की। जिनके पास समय नहीं है, काम बहुत रहता है, रोज़ रोज़ जो पूजा नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरह से उद्यापन साधना कर सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।